हेलो दोस्तों, इसका मंच मंजर का वेलकम बैक टू माय चैनल एजरी व्लॉग्स। सब लोग कैसे, होप से भी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो आज जा रहा है हम लोग राइड पे। जैसे ही हम लोगों ने 26 जनवरी पे राइड ऑर्गेनाइज किया था हमारा जो ईदगाह यूनियन ग्रुप है वहां से, तो उसी तरह हमने इंडिपेंडेंस डे के लिए एक छोटा सा राइड प्लान किया है। कभी क्योंकि अभी तो थोड़ा सिचुएशन चल रहा है पेंडेमिक का, इसलिए ज्यादा लोग नहीं ले रहे हैं। हम लोग बस कुछ लोग आ है अभी और कुछ लोग आ रहे हैं, ज्यादा नहीं लग करेंगे क्योंकि 26 पे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे और अच्छा लगा था। आशा थी कि इस बार भी कुछ ना कुछ हो गए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं किया है क्योंकि सिचुएशन बहुत ही खराब है। क्योंकि पता ही आप लोगों को कोरोना का कैसा सिचुएशन चल रहा है अभी फिलहाल पूरे देश में, तो इसी वजह से हम लोगों ने ज्यादा ऐड नहीं किया है। तो जैसे सब लोग आ जाते हैं तो हम यहाँ से निकलेंगे, तो देखते रहिए ब्लॉग। तो फिलहाल हम हो चुके हैं रेडी, अभी जाने के लिए हमें निकलने वाले अभी इधर से, और कुछ आने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग पूरा रेडी हो गए, अभी 10 लाइनअप करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। हम पहुंच चुके हैं डुटनोई और यहाँ पर हम लोग एक होटल पे रुके हैं। इधर सभी लोग इधर खाने में व्यस्त है अभी, क्योंकि हमें भूख लग गया। हम सुबह मतलब लाइट नाश्ता करके निकले थे, ब्रेकफास्ट बहुत लाइट था सुबह, तो अभी इसलिए लिया है परोठा एंड सब्जी। तो अभी ये खाएंगे, खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे इधर एंड उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ। तो फिलहाल हम लोग वहाँ से डुटने से निकल के आ गए हैं सिरसज्जो पहाड़ में। यहाँ पर एक ब्लॉग था मेरा, लोगों ने अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, देख लीजिए। और यहाँ पर कहीं आई बटन पे भी आएगा वो ब्लॉग। तो फिलहाल थोड़ा अंदर जाते हैं, चिल विल करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है अभी, एकदम मतलब पसीने से लथपथ हो गया पूरा नहा लिया पसीने से। तो थोड़ा अंदर जाएंगे, थोड़ा चिल करेंगे एंड उसके बाद फिर घर लौट जाएंगे। थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, अंदर चलते फिर। तो चलिए, तो गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके हैं सिरसज्जो पहाड़ के अंदर। यहाँ पर थोड़ा चिल कर रहे हैं। एक बार यहाँ का जो व्यू है मेरे सामने, एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिलहाल तो आप लोगों को दिखा दिया कि मेरे सामने कैसा व्यू था, तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर जब भी आता हूँ बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि एक तरफ से ये तीर्थ स्थान भी है, ये महापीठ स्थान है ये सिरसज्जो पहाड़, जो सेकंड काशी भी कहा जाता है। मैंने बोला आप लोग अगर ब्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छा जगह है। अगर आप लोग कभी ग्वालपर आए तो यहाँ पर जरूर विजिट करिएगा। तो फिलहाल तो हो गया सब, राइड वेट खत्म हो गया, कुछ लोग तो घर चले गए और हम लोग जस्ट कुछ ही अभी यहाँ पर रुके हैं। तो अभी कुछ नहीं और अभी निकलेंगे और हाईवे पे थोड़ा फोटो वोटो खींचेंगे
क्योंकि फोटो जरूरी है भाई। और फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड होगा, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इधर आ रहा है स्क्रीन पे, ये है और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर ही मैं मेरा हर अपडेट देता रहता हूँ। तो फिलहाल तो यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को सीधा हाईवे पे। हम निकल आए श्री सूर्य पहाड़ से, उधर से हम लोग आ गए, और हमारा प्लान था कि हम लोग थोड़ा फोटो वोटो खींचेंगे हाईवे पे रुक के, लेकिन उधर इतना गर्मी है आज, मतलब ये धूप साला पता नहीं यार, इतना ज्यादा धूप है, मतलब इतना गर्मी लगा हमको। तो बस हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं यहाँ पर नहीं रुकना है, बस यहाँ से जल्द निकलना है। तो अभी निकल के आ गया हूँ इधर, ये है हमारा लोकल एस रोड। तो यहाँ पर मतलब पूरा नेचर, यहाँ पर सारों तरफ यहाँ पर सिर्फ पेड़ 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 पेड़, और बीच में से ये पतली सी रास्ता जा रही है। तो यहाँ पर बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि जितना गर्मी लग रहा था हमको, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, थोड़ा सा सुख होता आप लोग, पर साउंड सुनिए कितना साउंड है, ये हमेशा यही शांति से है लाइफ में बस। तो हमारा तो प्लान था कि हम लोग डूटने जाएंगे, हमारा डेस्टिनेशन डूटने था, लेकिन डूटने जाने के बाद हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग जाएंगे निशानग्राम, लेकिन निशानग्राम जा रहे थे, लेकिन बीच में फिर हमने प्लान चेंज कर दिया, क्योंकि नहीं निशानग्राम नहीं जाना है, अभी वापस आते हैं घर में। और वापस आके हमने होटल में रुका, होटल में खा के हम लोगों ने श्री सिद्ध में चला गया। तो श्री सिद्ध से जाने के बाद अभी हम जैसे जैसे कैसे हम आ गए अभी घर की तरह, अभी तक घर नहीं पहुँचे हम लोग, बस यहाँ पर कुछ फोटो सेशन करेगा, क्योंकि फोटो एक भी खिंचा नहीं पाया। तो अभी इंडिपेंडेंस डे है, फोटो वोटो तो खिंचाना है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा फोटो वोटो खिंचाने के लिए इधर पहुँच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, तो यहाँ पर एक दो कुछ फोटो हम लोग क्लिक करेंगे अभी, और फोटोस इंस्टाग्राम पे आ जाएगा। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और स्क्रीन पे भी आ रहा है, फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर मेरे अपना सारा अपडेट देता रहता हूँ। तो फिलहाल आज का तो यही था, आज का प्लान इतना जितना एक्सपेक्टेशन था उतना अच्छा नहीं रहा ये राइड, लेकिन 26 जनवरी का राइड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत डिसिप्लिन था इस बार, थोड़ा लोग कम थे लेकिन इस बार डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो भी हो हम लोगों ने जैसे जैसे कैसे हमने ये राइड पूरा किया, और अभी नेक्स्ट 26 जनवरी को हम लोग फिर से राइड में निकलेंगे। तो फिलहाल हाथ धो गया भाई, तो और कुछ नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, एंड कमेंट करिए कि ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो से उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द, की सपोर्टिंग स्पिरिट, लव, थिंक पॉजिटिव, बीच में आज के दिन चलते हैं। Hey, kiba kobi soli gila? Anybody? Happy Independence Day! Happy Independence Day! 75th Independence Day! Okay, vlog, vlog, kiba kobi? No, life will be Moria!